बनियापुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी व जदयू राज्य परिषद सदस्य वीरेंद्र ओझा ने कोरोना जैसे महामारी में वैसे गरीबों की सेवा कर रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको घर जाकर घर घर राशन प्रदान कर रहे हैं। श्री नारद मीडिया से बात करते हुए बनियापुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी श्री ओझा ने कहा कि विधानसभा के 39 पंचायतों में जरूरतमंदों के घर घर जाकर उन्हें आटा, चावल, आलू, साबुन आदि सामग्री प्रदान कर रहे हैं। बनियापुर से जमीरुद्दीन राज की रिपोर्ट। बनियापुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेडीयू और राज्य परिषद सदस्य वीरेंद्र ओझा जी और इनके द्वारा हर पंचायत में आटा, चावल और साबुन, जो भी जरूरतमंद सामान है वो बांटा जा रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है इनका, इनसे आइए पूछते हैं। जिसको राशन कार्ड नहीं है जी, जिसको कोई सहारा नहीं है, विधवा हो, विकलांग हो जी, जिसको कोई माने किसी प्रकार का तकलीफ हो जी, उसको माने देने के लिए हम आए हैं कि जब तक के लॉकडाउन रहेगा तब तक हम माने इस प्रक्रिया में रहेंगे, चलाते रहेंगे। ये किस किस पंचायत में, सभी बनियापुर विधानसभा में? 3900 माने बनियापुर के 39 पंचायत है विधानसभा में जी, 3900 पंचायत में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा लोग हैं जो कि हर गांव का लिस्ट बना रहे हैं और उसी के माध्यम से हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको कार्ड वोड नहीं है, किसी प्रकार का सरकारी हेल्प नहीं मिल रहा है, जो गाइडलाइन में नहीं आते हैं उन्हीं के लिए यह है कि जो मैंने छूट गए हैं उस समय बनाने में कार्ड वोड, उसी को देने के लिए हम है कि कोई भूखे न मरे। हर पंचायत में आपका मतलब टीम बनाया गया है, टीम बनाया, चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है जिसको कार्ड नहीं है उसको ये मतलब आपके तरफ से बांटा जा रहा है। चलिए, धन्यवाद।